नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 16 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों। कोरोना से बचने के लिए हाथों की अच्छे से करें सफाई। देश भर में कोरोना धीरे धीरे करके अपनी पैठ बना रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत उन्होंने आम लोगों से हाथ की सफाई पर खास ध्यान देने को कहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी की माने तो कोरोना से बचने के लिए हर इंसान को लगभग 20-20 सेकंड तक हाथों की सफाई करने की सलाह दी गई है। साथ ही अपने आसपास भी स्वच्छता का खास ध्यान रखने को भी कहा गया है। नियोजित शिक्षक अब गांव कस्बों में बांटेंगे मास्क और साबुन। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक वैसे तो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, मगर कोरोना के बढ़ते हुए असर को देखकर सरकार की मदद करने की मुहिम में जुट गए हैं, जिसके तहत अब सभी नियोजित शिक्षक गांव-गांव घूमकर लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। साथ ही साथ वार्ड स्तर पर मास्क और साबुन का भी वितरण करेंगे। वहीं आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से सभी नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर बने हुए हैं। सूर्य के रहस्यों को सुलझाकर सिवान की बेटी ने बढ़ाया मान। देशवासियों के साथ साथ बिहारवासियों का मान बढ़ाने का काम एक बार फिर से बिहार की बेटी ने किया है, जिसके तहत बिहार के सिवान जिले की रहने वाली अंशु सिंह ने रेडियो स्पेक्ट्रा पॉलीमीटर नामक डिवाइस को विकसित किया है, जो कि सूर्य को समझने में सहायक विवरण जुटाने का काम करता है। अंशु की इस नई उपलब्धि के बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ रही है। CIPET ने लेक्चरर और टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई ने हाल ही में लेक्चरर और टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए 241 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BE या BTEC या रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या PG आदि की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक www.cipet.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। कोरोना के कारण बीएड का एग्जाम हुआ कैंसिल। साल 2020 के बीएड की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। 29 मार्च को बीएड की होने वाली परीक्षा को कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तारीख आगे बढ़ाने के मामले में कुलाधिपति कार्यालय को अवगत कराते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी इस परीक्षा के आयोजन की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह की। बॉलीवुड से लेकर तेलुगु फिल्मों में हमने इनकी प्रतिभा को देख रखा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभिमन्यु सिंह का भी जन्म बिहार के सोनपुर क्षेत्र में हुआ था, जबकि उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में साल 2001 में अपना पहला कदम रखा था, जिसके लिए उन्हें साल 2010 में स्टारडस्ट अवार्ड से नवाजा गया था। गया के महाबोधि मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थानों में से एक है, और विशेष रूप से इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे भारत में पीपल के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि यह यही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ध्यान से ज्ञान प्राप्त हुआ था। 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में बिहार के खिलाड़ी ने दिखाया अपना जलवा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स में बिहार के खिलाड़ी का दमखम देखने को मिला, जिसके तहत बिहार की टीम में शामिल मध्यपुरा के होली क्रॉस के कन्हैया कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त कर बिहार के साथ साथ अपने जिले और देश का नाम भी रोशन किया है। जिसके बाद कन्हैया को मध्यपुरा जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष, जिला के प्रशिक्षण संत कुमार समेत कई अधिकारियों ने उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाइयां भी दी। बिहार के 3 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए यह बताया कि बिहार में 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया है, जिसके तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद पदस्थापना की प्रतीक्षा में रह रहे वंदना प्रेयसी को सहकारिता विभाग का सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को वित्त विभाग के सचिव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही पालकी साहनी को आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली के पद पर स्थापित किया गया है। बिहार के इन जिलों के एक गांव को जल्द ही बनाया जाएगा शहर। बिहार सरकार 30 करोड़ की लागत खर्च करने के बाद अब गांव में भी शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मुहिम में जुट गई है, जिसके तहत गया, सहरसा, समस्तीपुर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, कैमूर, पटना और पूर्णिया में ग्राम पंचायतों में क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत को विकसित करने के इरादे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत साल 2016 में ही राज्य में क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई गई थी।
कोरोना के चलते पटना नेपाल बसों का परिचालन हुआ स्थगित। कोरोना के बचाव के चलते बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पटना नेपाल बसों के परिचालन पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए पटना और नेपाल के बीच 31 मार्च तक बसों के परिचालन को बंद किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 31 मार्च तक काठमांडू और जनकपुर के लिए बसें नहीं चलेंगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना और काठमांडू मार्ग पर हर दिन 2 बसों का परिचालन किया जाता है, जिससे यात्री बिहार से नेपाल के बीच का रास्ता तय करते हैं। बेमौसम बारिश के कारण किसानों की रबी फसल सबसे ज्यादा हुई खराब। अक्सर ठंड के बाद गर्मी के मौसम के आने का समय होता है, मगर इस बार इसके ठीक उलट हो रहा है। कहने को ठंड तो चली गई है, मगर ठंड के बाद अब बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बीते 48 घंटों में हुई बारिश ने सबसे ज्यादा किसानों की परेशानी बढ़ाई है, खासकर उन किसानों की जिनकी खेतों में रबी फसलें लहलहा रही है। मगर बारिश के कारण गेहूं की फसल के साथ साथ दलहन व तिलहन जैसे फसलों को काफी ज्यादा खराबी हुई है। बीपीएससी ने कोरोना को देखते हुए बिहार सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा को किया स्थगित। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा को कोरोना के चलते टाल दिया। यह परीक्षा 21 मार्च और 22 मार्च को किया जाना था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीपीएससी ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके दी है। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान भी जारी किया। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी नसीहत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही अभी शारीरिक तौर पर राजनीति से दूर चल रहे हो, मगर रिम्स में बैठे बैठे वह राजनीति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं विपक्षी दलों पर तंज कसने का। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से यह कहा है कि यदि युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो सरकार को खुद अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, जिसके तहत उन्होंने लिखा था कि सुनो सरकार, युवाओं को नौकरी दो या अपनी नौकरी छोड़ दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने की डिमांड। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए एक अनोखी डिमांड रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि असमय बरसात के कारण खराब हुई रबी फसलों से निपटने के लिए किसानों को जल्द से जल्द राशि मुहैया करवाई जाए। पुष्पम प्रिया ने पूर्व आईएएस अनुपम सुमन को लिखा पत्र। खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया ने अब पूर्व आईएएस अनुपम सुमन को पत्र लिखकर खुले तौर पर समर्थन की मांग की है। अनुपम सुमन के साथ काम कर चुकी प्रिया ने उनसे कहा है कि आप मेरे राजनीति में आने के फैसले का सपोर्ट कीजिए, आप यह पहले भी कर चुके हैं लेकिन अब आप खामोश है। हालांकि अभी अनुपम सुमन की तरफ से पुष्पम प्रिया के पत्र का किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है। मुजफ्फरपुर में 4 लोगों में कोरोना के होने की जताई गई आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अब कोरोना के 4 लोगों में होने की आशंका जताई गई है। इसकी जांच के लिए पटना में उनकी रिपोर्ट को भेज दिया गया है। खबरों की माने तो इनमें से एक युवक हाल ही में दिल्ली से वापस लौट कर आया था। हालांकि अभी तक इन सभी लोगों की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की गई है, मगर इन 4 को अभी SKMCH में भेज दिया गया है। कोरोना से निपटने के लिए पटना एम्स में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी की गई है, जिसके तहत एम्स में 30 बेड के आइसोलेशन वार्ड का निर्माण करवाया गया है। वहीं एम्स के सारे कर्मचारियों को अस्पताल परिसर में ही मास्क लगाकर काम करने का निर्देश भी जारी किया गया है। कोरोना के कारण अब अगले सप्ताह से अल्टरनेट डे पर काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में अल्टरनेट डे पर काम करने का आदेश जारी किया है। खबरों की माने तो यह आदेश फिलहाल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के लिए है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने की अनुमति पर भी रोक लगा दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना की अब तक भारत में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 15 मार्च से रक्सौल बॉर्डर को पूरी तरीके से कर दिया गया बंद। कोरोना ने आम नागरिकों की परेशानी तो बढ़ाई रखी है, अब कोरोना से बचाव के लिए सरकार भी कई तरह के कदम उठा रही है। इसी क्रम में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत नेपाल सीमा से रक्सौल बॉर्डर को 15 मार्च से पूरी तरीके से बंद करने का फैसला जारी किया था। हालांकि रोक सिर्फ यात्रियों के लिए ही है, मालवाहक वाहनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। अब विधायक के निजी ड्राइवर को सरकार देगी 15,000 प्रतिमाह। राज्य सरकार विधायकों के सभी निजी वाहन चालकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने सभी विधायकों के निजी वाहन चालकों को प्रति महीने सैलरी देने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब सभी ड्राइवर को 15,000 मासिक वेतन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हीं वाहन चालकों को सैलरी दी जाएगी जिनके पास लाइसेंस उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, सभी ड्राइवरों की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है।
मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस नेताओं को दी सलाह। बिहार में राज्यसभा की एक सीट को लेकर कांग्रेस और राजद के नेता वर्तमान समय में आमने सामने हैं। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद के साथ रह करके ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लालू प्रसाद ने कांग्रेस के साथ गलत किया है। कांग्रेस के नेता को अगर कोई परेशानी है तो वह आला कमान के सामने जाकर के अपनी बात रखे। कोरोना की वजह से विमान में 30% यात्रियों में आए कमी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना और बिहार के विभिन्न शहरों के लोग अपनी हवाई यात्राएं टाल रहे हैं। वहीं पहले से हुई बुकिंग भी कैंसिल की जा रही है। पटना एयरपोर्ट की टिकट काउंटर पर भी बुकिंग पर भारी असर देखने को मिल रहा है। विमानन कंपनी गो एयर की पटना से जाने वाली फ्लाइट में लगभग 30% की बुकिंग दर कम दर्ज की गई है, जिसकी जानकारी गो एयर के पटना एयरपोर्ट मैनेजर मनमोहन तिवारी ने खुद दी है। बिहार में रोक के बीच हुआ बैठक और उद्घाटन। बिहार में किसी भी तरह के सार्वजनिक बैठक पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसके बावजूद बीते दिन रोहतास में खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। उधर भाजपा नेता व मंत्री प्रेम कुमार भी गया डोबी स्थित वाटर पार्क का उद्घाटन करते देखे गए, जिसके बाद विपक्षी दलों की बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद विपक्षी दलों ने यह कहा कि वर्तमान सरकार के मंत्री ही मुख्यमंत्री की बात मानना जरूरी नहीं समझ रहे। वोडाफोन आइडिया ने की अपने 3 प्रीपेड प्लान्स के साथ डबल डेटा बेनिफिट ऑफर की घोषणा। वोडाफोन आइडिया ने अपने 3 प्रीपेड प्लान्स के साथ डबल डेटा बेनिफिट ऑफर देने की घोषणा की है। कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 249 रुपए, 399 रुपए और 599 रुपए वाले प्रीपेड प्लान्स के साथ ये ऑफर्स दिया जा रहा है। इस ऑफर्स के तहत यूजर्स को अब इन तीनों प्रीपेड प्लान्स के साथ प्रतिदिन 1.5 GB डेटा की जगह 3 GB डेटा का लाभ मिलेगा। साथ ही यूजर्स को एड ऑन के तौर पर वोडाफोन प्ले और Z5 का फ्री सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की वजह से परीक्षाओं को स्थगित करना कितना सही कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।